नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ की कांग्रेस है उनकी ओर से राजभवन का घिराव के लिए आज आह्वान किया गया था। इसी को लेकर जो बात है वो पूरे के पूरे भारत भर में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की ओर से घिराव किया जा रहा है। वहीं चंडीगढ़ में देखा गया कि चंडीगढ़ के जो कांग्रेस के जो मेंबर थे, उनके लीडर थे, उनके बड़े से बड़े लीडर की बात करें तो पवन कुमार बंसल जी थे, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष छाबड़ा जी थे। उनको रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पीछे देख सकते हैं मेरे बैरिकेडिंग की गई है। और इसको लेकर जो बैरिकेडिंग थी यहाँ पर, जिस तरह से प्रदर्शन बढ़ता गया उसके बाद से चंडीगढ़ पुलिस ने पानी की बौछारें भी करी और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके द्वारा जो उनका गुस्सा था कृषि कानून को लेकर, जिस तरह से उनका प्रदर्शन था जो पूरे भारत में कांग्रेस इस वक्त कर रही है, उसको लेकर ये यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इसके बाद यहाँ चंडीगढ़ पुलिस ने उनको पीछे किया, उनको खगाड़ा। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक खींचातानी रही है जिसमें चंडीगढ़ पुलिस की एक महिला कांस्टेबल भी घायल हुई हैं, जिनको अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से ले जाया गया है। जैसा कि आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह का माहौल है, कि जिस तरह से पानी इस वक्त सड़कों पर फैला हुआ है, रोड के डिवाइडर पर भरा हुआ है और चंडीगढ़ के जो पुलिस है, चाहे वो महिला बल हो चाहे वो पुरुष बल हो, वो दोनों ही अभी भी है यहाँ पर टिके हुए हैं। जो इनके आला अधिकारी थे उनकी ओर से बताया जा रहा था कि जो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के जो लीडर थे और उनके कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन था वो यहाँ पर आए, वो नहीं मान रहे थे। जब चंडीगढ़ पुलिस ने यहाँ से हटाने की कोशिश करी, फिर उनको अभी हिरासत में लिया गया और बसों में भरकर, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से बसों में भरकर ले जाया गया। उसके बीच की जो कहानी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये प्रदर्शन सेक्टर 18 और 19 की लाइट पॉइंट से शुरू होकर यहाँ पर आके ख़त्म हुआ और उसके बाद कई देर तक इन्होंने नारेबाजी करी। उसके बाद ये धक्का मुक्की पर उतर आए, जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको तोड़ने की कोशिश की गई, जो मुस्तैदी दिखाई चंडीगढ़ पुलिस ने, तीनों प्रोटेस्टों को रोका गया और उसके बाद शांतिपूर्वक आप देख सकते हैं मेरे पीछे की किस तरह से अब पुलिस बल जा रहे हैं यहाँ से, लेके गए हैं। जैसे आपको पता था प्रोटेस्ट कर रहे थे कांग्रेस पार्टी वाले, तो हमने पीसफुली उनको यहाँ से कुछ बंदे राउंड अप करे हैं, जाके हम काउंटिंग करते हैं कितने बंदे थाने भेज रहे हैं। किस लिए गिरफ्तार किए गए हैं ये? यहाँ पे थोड़ा यार डिस्टर्ब कर रहे थे, आप धक्का मुक्की करके आगे पंजाब भवन का घबरा करने जा रहे थे गवर्नर हाउस का, इसलिए हमने आगे जाने से रोका है। कार्यकर्ता थे उनको बसों में भेजकर हिरासत में लिया गया और यहाँ पर प्रोटेस्ट खत्म होते दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।